गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमंतु भोटिया अगेन। आज मैं फिर से एक नए ब्लॉक के साथ आया हूँ। ये ट्रेडिशनल ब्लॉक है और फिर से मैं अपने विलेज के दुर्गा पूजा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ सेकेंड ईयर। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बहुत ही मज़ा आता है। एक्चुअली कल से बहुत बारिश हो रही थी तो काफ़ी सारा प्रिपरेशन अभी पेंडिंग में है। तो धीरे धीरे सारे स्टेप्स को मैं आपको कवर दिखाऊँगा। तो लेट्स कंटिन्यू विथ ओरिजिनल फ्लावर्स हैं जो कि मॉर्निंग से सबने काफ़ी ज़्यादा ही मेहनत करके कलेक्ट किया हुआ है और अब इसका माला बनाया जा रहा है। डिफरेंट कलर में डिफरेंट वेराइटी के फूल हैं और सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो साथ ही साथ हम लोग माता रानी का भी दर्शन कर लेते हैं और ये इतने सारे प्रसाद देख के तो अभी से ही मुँह में पानी आ रहा है। माता रानी है और सब लोग माला प्रिपेयर कर रहे हैं और ये हमारा दो माला अभी कंप्लीट हो गया है। एक ये चीरा मीरा फूल बोलते हैं और ये कनेल येलो वाला, अदर ये कि ये वाइट वाला अभी कंप्लीट हो रहा है। और आज 10th डे है, लास्ट डे, तो माता रानी का पूजा भी स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद विसर्जन होगा। विसर्जन का टाइम आ गया है और पंडित जी विसर्जन करवा रहे हैं। माता रानी का ये जयंती सबको पंडित जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, तो सब लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। और विसर्जन हो चुका है हमारा। अब हम लोग डेकोरेशन के लिए माता रानी को बाहर निकालने वाले हैं। माता रानी घर से बाहर निकल चुकी हैं और अब इनका ये प्रिपरेशन हो रहा है, डेकोरेशंस पूरा फ्लावर से। ये सारे ओरिजिनल फूल हैं और सबको बड़े ही मेहनत के साथ मॉर्निंग से लोग लगे हुए थे इसको बनाने के लिए। और अब सब लोग ये देख रहे हैं कि कौन से कलर के बाद कौन सा कलर ज़्यादा बेटर लगेगा और ये सारे करके फिर अभी इसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। माता रानी को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है, यानी कि ओरिजिनल फूल, इतना मेहनत रंग लाया है एक्चुअली में। और सब लोग अब जा रहे हैं रेडी वेडी होने के लिए क्योंकि थोड़ी देर में विसर्जन स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे लोग तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं बट बड़े जो कि अभी काम कर रहे थे तो उनको थोड़ा सा रेडी होना बाकी है। सो फाइनली सब कुछ रेडी है, सारे प्रिपरेशंस हो चुके हैं, सब लोग रेडी होके यहाँ पे आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में विसर्जन स्टार्ट होगा, यानी कि सब लोग कलश को लेके गंगा जी की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये लोक गीत वगैरह हो रहा है यहाँ पे, सब लोग मामा मम्मी चाची सब लोग मिलके ये कर रही हैं। फाइनली दुर्गा माँ घर से बाहर जाते हुए और सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो हम लोग भी माता रानी को लेके रोड पे जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम लोग इकट्ठे होके फिर गंगा जी की ओर प्रस्थान करेंगे। ये हमारे डिगो बाबू हैं जो कि हर एक साल दुर्गा माँ को सर पे ले जाते हैं गंगा जी तक। सब लोग माता रानी को सर पे लेके अपने अपने घर के बाहर खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे सब लोग पीछे से भी आ रहे हैं। ये कुछ घुड़सवार भी अपने घोड़ों को लेके प्रस्तुति करने के लिए आए हुए हैं। बच्चन चाचा माता रानी की विदाई करते हुए ये पीछे वाले भी आ गए हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे फाइनली। एक और माता रानी का कलश दूसरे घर से निकलते हुए सब लोग माता रानी का जयकारा लगाते हुए और कलश को लेके बाहर निकल रहे हैं। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। ये हमारे सिंटूदा हैं, अब 10 साल बाद आए हुए हैं दुर्गा माता के विसर्जन में। फाइनली चारों साइड से पूरे गांव का कलश इस चौक पे आ चुका है और सब लोग यहां पे आ गए हैं। जय दुर्गे, 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 जय दुर्गे। Thank you.
तो खतरनाक ही व्यू है यहाँ का, सारे कलर से एक साथ। फाइनली दुर्गा माँ की इस स्वरूप को लेके हम लोग गंगा जी के किनारे आ गए हैं। अब यहाँ पे माता रानी का विसर्जन होगा, प्रॉपर तरीके से हम लोग विसर्जित करेंगे। सब लोग अपने अपने माता रानी का इस स्वरूप को लेके गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं।